के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में शुमार है दुखहरण धाम। दुखहरण धाम की मान्यताएं और विशेषताएं काफी प्राचीन और अद्भुत हैं। अमेठी शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर मुराई के पुरवा गांव में दुखहरण धाम मंदिर की स्थापना कराई गई। इस मंदिर की स्थापना के बाद करीब 3 सालों तक इस मंदिर में लगातार मंदिर विस्तार का काम चलता रहा और आज इस मंदिर की विशेषताएं और महत्वता काफी प्राचीनतम है। मंदिर में आने वाले दूर दराज से भक्तों की मान्यताएं भगवान शंकर से सीधे जुड़ी हैं। मान्यताएं हैं कि जो भी भक्त यहां पर आता है भगवान भोलेनाथ उसकी झोली भर देते हैं। मंदिर में आने वाले सभी भक्त दुख लेकर आते हैं और खुशी खुशी वापस जाते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन आपको एक साथ हो जाएंगे। मंदिर में प्रत्येक माह के शुक्रवार और सोमवार को भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में रामायण कालीन इतिहास से जुड़ी तस्वीरें भी मंदिर में साझा की गई हैं। मंदिर में दूर दराज से भक्त दर्शन करने आते हैं। किसी व्यक्ति की कोई समस्या या दुख हो तो यहाँ पर दूर हो सकता है। आपको बता दें कि मंदिर प्रशासन की काफ़ी व्यवस्थाएं भी भक्तों के लिए अद्भुत हैं। आपको यह भी बता दें कि मंदिर प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, खास करके भक्तों को या कोई असुविधा न हो इसके लिए मंदिर में बैठने के लिए व्यवस्था के साथ रुकने तक के इंतजाम मंदिर प्रशासन द्वारा किए गए हैं। मंदिर में दूर दराज से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। दुखहरण धाम का मंदिर आज के 15 वर्ष पुराना है। 15 वर्ष पहले यहाँ के रहने वाले पाल समाज के परिवार ने इस मंदिर की स्थापना कराई थी और आज इस मंदिर का लगातार विस्तार हो रहा है। मंदिर में बड़े बड़े नेता भी दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। खास करके मंदिर की मान्यताएं काफी पुरानी है। मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश के एक साथ दर्शन होते हैं। आइए स्थानीय लोगों से ही जानते हैं और मंदिर के आसपास के लोगों से ही जानते हैं कि मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व हैं और मंदिर में किस प्रकार की क्या मान्यताएं लोगों से जुड़ी हैं। अरे यहाँ कम से कम इस मंदिर को 15 साल पहले बना हुआ है और इसमें बहुत कहने मतलब जो भी बनवाया है बहुत मेहनत किया है, बहुत परिश्रम किया है, बहुत बड़े भक्त थे वो, और जो भी यहाँ दर्शन करने आता है सबकी मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए इसका नाम दुखहरण बना है। माना हाँ मेला भी लगता है। मैं तो इसके सेवक हूँ, मंदिर का भक्त हूँ। मैं पंजाब में रहता हूँ, मोगा में, मोगा से आया हूँ। गांव हमारा यही है, पास में घर है हमारा। ठीक है जी। और मैं इनकी सेवा करीबन मैं तो 15 साल से कर रहा हूँ। बने तो हो गया मेरे हिसाब से 6-7 साल हो गए। हाँ जी, कंप्लीट हुए। और यहाँ तो स्वयं संकट मोचन हनुमान मंदिर के अंदर है, साक्षात विराजमान है। दुखहरणनाथ धाम है, गेट के सामने शंकर जी हैं, पार्वती माँ हमारी हैं बैठी, और साथ में श्री राम प्रभु जी, माँ जानकी जी विराजमान हैं। ये हैं साक्षात आरती है। हम एक प्रमाण भी देना चाहते हैं दुखहरणनाथ धाम में। मैं लेकर स्वयं आया हूँ पंजाब से, उनका दुख हरा है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, एम्स में भर्ती कराया, वहाँ उनका नाम जाप किया और उन्हीं का रुद्रास्त जल मैं दिया। मैं उनका सेवक हूँ, पंजाब में रहता हूँ मोगा से। वो ठीक होकर आई है और कल रामायण का पाठ बैठाऊंगा और परसों भंडारा मैं कर रहा हूँ। उनकी मान्यता है लोगों की, बिल्कुल साक्षात स्वयं है, विराजमान है।